क्या नाम है आपका? आप जहाँ पर है अभी कानपुर में जो मंदिर है आपका बाबा सोमनाथ जी का, उसके बारे में कुछ बताइए ना। ये जो मंदिर है, बाबा सोमनाथ जी हैं, बाबा अमरनाथ जी हैं, बाएं तरफ बाबा अमरनाथ जी हैं, दाहिने जो है आपके दाहिने अमरनाथ जी हैं, बाएं जो है नीलकंठ बाबा जी हैं। ये टीला हुआ करता, हमारे पूर्वज जो है यहाँ रहते थे और गाय चरा रहे थे, तो अचानक इनको चपेट लगी। चपेट लगने के बाद अपना दवा व लिए और विश्राम किए। रात में इनको स्वप्न हुआ कि जहाँ पर तुझे चपेट लगी है वहाँ पर हमारा स्थान है और उसके दाहिने बाएं साइड, दाहिने साइड हम ये हैं। अपना नाम इन्होंने बताया अमरनाथ जी और नीलकंठ जी का, यहाँ खुदाई करो, हम यहाँ हैं। तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ खुदाई करी तो यहाँ पे बाबा सोमनाथ जी का शिवलिंग निकला, अमरनाथ जी का शिवलिंग निकला, उनसे छोटे नीलकंठ जी ने। यहाँ पे जो भी आदमी आता है उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपकी कितनी पीढ़ी यहाँ से? हमारी 12वीं पीढ़ी है और रिकॉर्ड 5 पीढ़ी का हमारे पास है जी। मंदिर के पीछे एक तालाब हुआ करता था जिसमें जो है लोग आके नहाते थे, उनका कुष्ठ रोग होता था, कुष्ठ रोग दूर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियाँ, और मंदिर का ही जल तालाब में जाया करता था। पंडित जी, अब राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अब कैसा लगता है कानपुर में, आपको कैसा लगा, विकास हुआ? विकास तो हुआ है, लेकिन ये जो राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है। 370 खत्म भई हिंदुओं के पक्ष में आई, वो भी अच्छी बात है। मंदिर में विवाह और किस प्रकार के आयोजन होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर साल रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं हम जी, और शिवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है, बहुत मात्रा में भीड़ होती है, बहुत दूर दूर का आदमी आता है। सावन के तीसरे सोमवार को यहाँ पे बाबा का श्रृंगार होता है, बहुत काफ़ी दूर दूर से सब लोग आते हैं, कानपुर से भी आते हैं, इटावा कई जिले से लोग आते हैं, लेकिन मंदिर का रास्ता ना होने के कारण बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही है। तो क्या लगता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर जब आई तो मैंने रेलवे क्रॉसिंग किया, मैं पूछती रही लोगों से मंदिर का रास्ता कहाँ से है, तो मुझे बीच मार्केट से होते हुए आना पड़ा। यहाँ से एकदम जो सड़क से हम आते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या आपकी डिमांड रहेगी? डिमांड हमारी ये, पहले प्रेमलता जी थी यहाँ से विधायक, आज उनकी लड़की है और राज्य मंत्री भी बना दी गई है। नीलमा कटियार को हमने खुद लिख के दिया, सारा समस्या लिख के दिया, भोले सिंह को लिख के दिया जो सांसद हैं यहाँ के, और प्रेमलता जी को, जब प्रेमलता जी 5 बार 4 बार यहाँ से विधायक रही, उनको कई बार अवगत कराया गया, कई बार बुलाया गया सारी, लेकिन अभी तक कोई समस्या निस्तारण नहीं हुआ। जहाँ पंपी रोड से कल्याणपुर थाने तक 25 फुट रोड था, जहाँ पे ट्रक बसें जो भी गाड़ियाँ थाने में बंद होती थी, कार वगैरह, वो सब मंदिर के सामने से निकल के थाने के प्रांगण में जाती थी। आज ये कंडीशन है कि कार तो बहुत दूर की बात है, साइकिल लाना भी बड़ा दूर है। पूरे रास्ते का अतिक्रमण हो गया था, बाजार जो है जो थी मंदिर के सामने, ये नगर महापालिका की बाजार थी, आज नगर निगम में है। ये बाजार जो है जमीन पर लगती थी, आज ये है कि पूरी मार्केट में अतिक्रमण हो गया है। कोई पक्की दुकान बना रहा, कोई दुकान लगा रहा है, तो उसने क्या किया, 3-3 लाख रुपए में बेच दिया, सिखा पड़ी नहीं कहीं, मुजवानी बेच दिया, 3 लाख 4 लाख 2 लाख, ऐसे दुकानें सब बिक गई, दुकानों में 3 सेट पड़ गए। जमीन किसकी है? नगर निगम की है। जमीन नगर निगम की है, सारा पूरा कब्जा हो चुका है नगर निगम, और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई बार मैं विधायक सांसद जी को, सभा सचिव को, सबको लिखित रूप में दे चुका हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंदिर का रास्ता पूरा बंद हो गया, थाने का पूरा रास्ता बंद हो गया, थाने आने का कोई विकल्प नहीं है। जब आदमी रेलवे पटरी से निकलता है तो कई आदमी इसमें, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, इसमें कई सिपाही, कई दरोगा भी ख़त्म हो चुके हैं। एसपी साहब जो पहले के एसपी थे, उनसे मैंने आग्रह किया था, सीओ साहब से आग्रह किया था कि थाने का रास्ता, मंदिर का रास्ता एक था, ये पनकी रोड से आप रास्ता इसको खुलवाएं और आप इसका सर्वे कर लें, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आम आदमी और हमारे जो सिपाही हैं प्रशासन के, शासन के, ये कईयों लोगों के सुभाग उजड़ गए, लेकिन इस पर सरकार, किसी प्रकार का विधायक सांसद कोई और ना ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बात हम सीएम साहब तक पहुंचाएं और यहां का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कराएं। धन्यवाद।